कोरोना संकट में जहां भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को बंद रखा है, लेकिन अब भारत और नेपाल के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। दोनों देशों के बीच ये सेवा हवाई बबल के तहत शुरू होने जा रही है। शुरुआत में दिल्ली और काठमांडू के बीच हर तरफ से प्रतिदिन एक उड़ान के साथ सेवा शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कुछ समय पहले नेपाल को प्रस्ताव दिया था और नेपाल ने इसे मंजूरी दे दी है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपनी हालिया नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विशेष संबंध के साथ लोगों के बीच लोगों के संपर्क के महत्व को रेखांकित किया था, जिसके बाद अब भारत नेपाल के बीच फिर से हवाई सेवा शुरू हो रही है। ये सेवा भारत और नेपाल के नागरिकों समेत उनके लिए शुरू होगी जिनके पास वैध भारतीय वीजा है। पर्यटन वीजा रखने वालों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड रखने वाले लोगों को भी यात्रा करने की अनुमति होगी। भारत की ओर से विमानों का परिचालन एयर इंडिया करेगी, जो सामान्य समय में दिल्ली और काठमांडू के बीच दैनिक उड़ान थी। एयर बबल व्यवस्था चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करेगी, जैसा कि अन्य देशों के साथ किया जा रहा है, जिसमें यात्रा से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट शामिल है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि मई से वंदे भारत मिशन के तहत और जुलाई से भारत और अन्य देशों के बीच गठित द्विपक्षीय हवाई बुलबुला व्यवस्था के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें भारत में चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।